अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कायनात है और मैं राइट टू प्ले में एज अ कोच वर्क कर रही हूँ और मैं गुलबई कराची में रहती हूँ। मैं यूनिवर्सिटी का मेरा ये फाइनल ईयर है, इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन कर रही हूँ अभी। तो यूनिवर्सिटी में जब मैं गई, मैंने यूनिवर्सिटी की बॉयज़ टीम के साथ खेलना स्टार्ट किया। मैं सिर्फ एक वाहिद लड़की होती थी जो उन बॉयज़ के साथ खेलती थी। तो जब यूनिवर्सिटीज़ की बाकी लड़कियों ने मुझे देखना स्टार्ट किया तो उन्होंने भी कदम आगे बढ़ाना शुरू किया, उन्होंने भी खेलना स्टार्ट किया और अब हमारी यूनिवर्सिटी की बाकायदा एक टीम है। मेरा राइट टू प्ले के साथ अब तक का जो एक्सपीरियंस है वो ये रहा है, गर्ल्स में बहुत कुछ चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं। जब हम उनको सिखाते हैं, जब वो उभर के सामने आती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो अनबिलीवेबल होती हैं जो हम उनमें देखते हैं, उन लड़कियों में। जब मैं बच्चों के साथ काम करती हूँ तो मेरा यही फोकस होता है कि मैं बच्चों के साथ कॉन्फिडेंट रहूँ, ताकि अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो बिला झिझक आके मुझसे कहें, डरे नहीं मुझसे, हमने HEC भी टूर्नामेंट भी खेला है और जीता भी है। जब मेरे फादर की डेथ हुई तो मैं यूनिवर्सिटी का सेकेंड ईयर चल रहा था, तब हालात कुछ ऐसे हो गए थे तो शायद मुझे यूनिवर्सिटी भी छोड़नी पड़ती, लेकिन मेरे चाचू ने कहा कि नहीं, आप स्टडी नहीं छोड़ो, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। हम लोगों ने जो कोरोना के दिनों में वो फेस किया ना, 9-10 महीने हमें खर्चा नहीं, मेरा देवर बेटा था, इनकी फीसें थी, वो मैंने अब जो है ना सारी कवर की हैं बहुत मुश्किल से। मैं सिलाई करके रोज जाती हूँ बाज़ार में, कपड़ा लेके आती हूँ, रक्षा तक नहीं करती, बस में आती जाती हूँ लेके आती हूँ। मुझे लगता है कि जो लड़कों में पोटेंशियल होता है, सेम पोटेंशियल जो है वो लड़कियों में भी होता है। वो भी जॉब कर सकती है, अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकती हैं, वो भी स्पोर्ट में हैं, आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, इसीलिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए ताकि वो खुल के सामने आएँ, वो अपने ड्रीम्स अचीव करें।